हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में मॉकी। तो ये हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड टेस्ट है। पिछली बार जो हमारे पेपर हुए थे 13 जुलाई 2021 उसका शिफ्ट वन का ये पेपर है। तो इसमें मेरी रैंक 242 आई है। 82,000 समथिंग बच्चों ने अभी तक ये पेपर दे लिया है। 83,000 नहीं होने वाले हैं, लगभग 82,856 हैं। 90 प्लस इसमें मेरा स्कोर रहा है। 99 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 93 के आसपास की मेरी एक्यूरेसी है और 99.7 प्लस मेरी परसेंटाइल गई है। तो इंग्लिश में मैंने सारे अटेम्प्ट करे थे और 4 गलत हो गए। और इस वाली वीडियो का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस भी डाला है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी लिंक, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वांट की तरफ। क्वांट में मैंने 34 अटेम्प्ट किए, 3 मेरे गलत हो गए। मैंने बताया भी था कहाँ कहाँ पे मेरे गलत हुए, क्या क्या गलती हुई क्वांट में, वो भी मैंने बता रखा है। रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट किए, 35 ठीक थे। और रीजनिंग का पेपर मैंने इसका 17 मिनट से भी पहले ही खत्म कर दिया था। ओवरऑल इस पेपर में मेरे को 52 मिनट्स लगभग लगे, 52.42 दिखा रहा, मतलब वही 53-54 मिनट्स के आसपास लगे होंगे ओवरऑल, क्योंकि थोड़े बहुत ही रिफ्रेश की वजह से कम दिखाते थे। क्वांट में मेरे 1937 दिखा रहा, पर मैंने पूरे 20 मिनट यूज करे थे। तो इसका अगर आपको इसी का डिटेल्ड एनालिसिस देखना है और आप कैसे अच्छे मार्क्स खुद भी स्कोर कर सकते हो वो वीडियो देखनी है, तो मैंने वो भी इसका डिटेल्ड एनालिसिस और 80 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें वो वीडियो, और अपना मॉक में स्कोर कैसे इंक्रीज करें उसकी पूरी बड़ी बड़ी आधे घंटे की वीडियोज बना रखी है। तो आप चाहे तो वहां देख सकते हैं, उस वीडियो में 1300 प्लस व्यूज हैं और काफी बच्चों के उसमें कमेंट आए कि उनके मार्क्स उस उन टिप्स को फॉलो करके, वो मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पहले से लगभग 5 से 10 मार्क्स बढ़ गए हैं कुछ ही दिनों में। तो अगर आपका पेपर अभी 25 को है और आपका ये पहला है दूसरा अटेम्प्ट है और अभी आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से नहीं पता, तो वो वीडियो को जरूर से देखें और उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आपका भी अच्छे से अच्छा स्कोर आए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला अब मैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस नहीं, मेमोरी बेस्ड टेस्ट के ही एनालिसिस आएंगे, क्योंकि अब मैं मेमोरी बेस्ड टेस्ट ही दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। तो अगर आपको ऐसे एनालिसिस देखते रहने हो और मेरे से स्ट्रेटेजी लेनी हो, मैंने पूरी पजल सीरीज कौन से एग्जाम में आ रहे हैं, गारंटेड क्वेश्चन जो आएंगे उनकी पजल सीरीज बना रखी है, सिलॉजिज्म, रीजनिंग इनइक्वालिटी सबकी सीरीज चैनल पे अवेलेबल है। तो चैनल को एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।